लगाना और जो जेल थी ना उसकी भूमि बेटा बड़ी थी, उबड़ खाबड़ थी, बंजर भूमि थी। लेकिन
बागवानी के करते हुए इस बंजर भूमि को भी बड़े ही उपजाऊ भूमि बना रही थी। उसके बाद जब इनको वो पत्थर निकल गए थे तो उनको वो सर्च करना चाहते थे कि मतलब क्या है हमारा इतिहास क्या है। लेकिन बाद में जो अंग्रेजी जो सेना थी उन्होंने हुआ बागवानी जो है वो छुड़वा ली थी, उन्होंने उनको मना कर दिया था कि अब तुम बागवानी नहीं करोगे। ये बेटा बहुत ही मेहनती थी, कड़ी धूप में सर्दी में गर्मी में मतलब बागवानी ही करते थे। लेकिन अंग्रेजी जो सेना थी अंग्रेजी जो अधिकार थे उन्होंने उनको मना कर दिया कि तुम अब बागवानी नहीं करोगे। इसके बाद बेटा इन्होंने कलम उठा ली। कलम उठाने का मतलब है कि इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। बागवानी छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी कलम उठा ली। कलम उठाने का मतलब है कि इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और किसके ऊपर लिखा था बेटा? अपने देश के ऊपर लिखा था। जो बेटा ये हमारी भारत की खोज है इस पुस्तक में नेहरू जी ने हमारी संस्कृति जो विदेशी जो लोग आए हमारे देश की संस्कृति हमारे देश में क्या हुआ मतलब सब कुछ वर्णन किया हुआ है। तो ये इन्होंने जब कलम उठाई थी तो उन्होंने इसी पुस्तक का इसी पुस्तक में हमारे देश का वर्णन किया है कि हमारे देश में क्या मतलब देश को देखते हुए कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति है आगे क्या होने वाला है क्या होगा तो ये सब कुछ उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। देश विदेश को सब कुछ उन्होंने इस पुस्तक में लिखा है। तो बेटा जो ये हमारा जो फर्स्ट लेसन है बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और ये जो भारत की खोज पुस्तक है ये पूरी ही पुस्तक बेटा कंप्लीट पुस्तक जिसके हमारे 10 लेसन